हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। न्यू ब्लॉग पर आपका स्वागत है। आज है अहोई माता का व्रत, तो आपको सबसे पहले अहोई माता के व्रत की शुभकामनाएं। ये व्रत तो सभी बहनों और माताओं ने किया होगा, और अब हमने भी ये व्रत रखा है। तो आज अब सुनते हैं इस व्रत की कहानी। अब हम कर रहे हैं कहानी सुनने की तैयारी, और सरिता कर रही है सबको तिलक। तो भैया चल पड़ी दमी ले गया उन का साथ खेलना ना दी वो पता डांट उठ गई बच्चा मर गया। शाह माता आई भाई आप ही देखिया बच्चा तो सारा खत्म हो गया। तो भाई वो उन छोरी ने लेती बैठगी बोली इसकी कोक बांधूंगी। भाई सारी बड़ी भाभी थी वो सारी नाट गई बोली हम तो कौन बनवाओ हमारी कोक है। तो भाई छोटी ने बोली भाई इसकी तो मैं कोई बांधने दू मेरी मान जो कोक है। भाई छोटी भाभी की जी बुलाए गए भाई पंडित जी आ गए बोले भाई इसका बाल कौन जीव है बोले इसका बाल के जीव है इसकी कोख तो भाई बांध रखी से घर का कर भी याद आ गई बोले वो शाह माता ने इसकी कोख ही पाऊंगा। बोला बहू गरिमा आई देख रहे तो सात बेटा सात बहू तेन बोले सतन को वर्त करे सारिया ने उस सात उजनन करया सात कढ़ाई करी। देव जेठानी बोली या जल्दी जल्दी नहा दो या सा चाची तो रोन लाग जागी बड़का नहीं आदि तक की ने फिर आवाज को नहीं आई जी बच जाओ रे बड़ के देख के आओ ते चाची आज रो रोया करे साला क्यों कुन रोई जाके देख रहे तो भाई बहु बेटा की लेने लाग रही से अब हमने कहानी सुन ली है और सूर्य को देंगे अर्घ। मेरे पापा ने दादा दादा सरिता ने बना ली चाय, अब बैठ के पियेंगे चाय। पी लिया सारिया ने पीवा जी हम तो अब हम पियेंगे चाय। ये हमारा नींबू का पेड़ है भाई देखो
कितने नींबू लगे हुए हैं, ये देखो पत्ते कम है नींबू ज्यादा है। ये देखिए ये देखो पत्ते कम नींबू ज्यादा। ये हमने यहाँ पालक वगैरह लगा दिया, ये है आम का पेड़ और श्रीता तोड़ रही है मौसमी। मौसमी भी भाई लगभग पूरे से हो गए, दो चार दिन के और भी हैं, तब तक ये दूसरी मौसमी के पक जाएंगे। ये अभी हरे हैं, ये भी नींबू का दूसरा पेड़ है, इसके बिल्कुल कच्चे हैं अभी, हरे नींबू है पके नहीं है। ये देखिए देखिए कैसे छोटी बड़ी साइज सब तरह के नींबू हैं। पहले वाले पक गए, बीच वाले बड़े हैं, अब वाले छोटे कच्चे हैं। ये देखिए कैसे पत्ते कम नींबू ज्यादा। अब सरिता बनाएगी मौसमी का जूस। ये सिंगाड़ा ये सिंगाड़े हैं भाई, अब बनाएंगे खाना। निशु खा रही है खाना। फेर कर फेंको की चला कोकी बोल ले क्या अंशुलकन बोल पकड़े। कोको और अंशु कह रहे हैं बोल। कोको पकड़ बोल, पकड़ो। कोको चल दिया भाई, कोको को गेट खुलवाने के चक्कर में है, इसको पता है बाहर जाएंगे तो गेट खुलेगा। पीछे घुमाओ एक बार, पीछे पीछे नहीं खेलेगा पूरा। कोको भाई तो मना रखे बात नहीं रोटी मैं ये मना ना छोड़ की चला तो। ये हमने एक छोटा सा हेड पंप लगवा रखा है भाई, टंकी से पानी निकालने के लिए। अब मैं दूंगी पौधों को पानी। कोको परेशान है भाई, नया सूट डाल लिया तो कहीं जा रहे होंगे। कोको को नहीं पता इन्होंने अहोई माता का व्रत कर रखा है,
ये सोच रहा है कि नया सूट डाल लिया तो ये कहीं ना कहीं जा रहे हैं, इसलिए परेशान है। कोको कोकी कितने को जाओ भाई घर ही रहेगा। अनिल खा रहा है खाना, निश्वल फुल क्या कर रहे हैं भाई, ओ पढ़ रहे हैं दोनों। निशु भी पढ़ रही है भाई, अंशुल भी पढ़ाई कर रहा है। अब मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।